हेलो फ्रेंड्स, यार अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग लाऊँ 15 ऐसे क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th 2020 बोर्ड्स जो कि आपको 24 फेब को होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माई नेम इज हर्ष एंड लेट्स स्टार्ट। भाई क्वेश्चंस दिखाने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। भाई सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल फ्री है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो यार सबसे पहले आपको मिले। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ही मैं डालूं चैनल पे सबसे पहले मिल जाए और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एट दी एंड एंड तक का वेट मत करना कि हमारा एग्जाम 24 फेब है तो हम 20 फरवरी को पढ़ेंगे 21 फरवरी को पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिजिकल एजुकेशन में भी आपको मेहनत करनी उतनी जरूरी है जितने बाकी सब्जेक्ट्स में जरूरी रहता है। मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो पिछले सालों के पेपर के एनालिसिस के बावजूद जाके बने हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये डिस्कस। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे बताना है कि इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिख दो कि डाइट का क्या इफेक्ट रहता है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, या जितनी अच्छी डाइट लोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया आप लोगों की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी 2 नंबर में पूछते हैं, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में, भाई काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का वो है इलेबोरेट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स बताने हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को। भाई एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने वाले सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स याद कर लेना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटी के टाइप्स बताने हैं आपको, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है ये, आपको बताना है कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज, कौन कौन से इंजरी स्पोर्ट्स में हो सकती है, राइट क्लासिफिकेशन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। ये अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में तो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके प्रिवेंशन हो गए, उसके क्लासिफिकेशन हो गए, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, पूरा का पूरा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजिंग, एजिंग से आप लोग क्या समझते हैं और इनको एक्सप्लेन करें, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज टू मेंटेन फंक्शनल फिटनेस इन एज पॉपुलेशन। भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनर्जी, एनर्जी से आप लोग क्या समझते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बारे में बताओ विद सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में से एग्जाम्पल देके बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, साइंस वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं देने। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सेवन्थ जो रहने वाला आप लोग क्वेश्चन वो है डिफाइन ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है इसके बारे में बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रेजेक्ट्री को अफेक्ट करते हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप लोगों का वो ये है वट आर दी फाइव असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरमेंट, पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरमेंट के लिए ऐसे कौन से 5 असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बताओ, एक्सप्लेन भी कर दो उनको अच्छे से। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो डिजाइन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस, मोटर फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की नीड पड़ती है, ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन का हमको बताना है अच्छे से। इस टॉपिक को तो पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन को, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इलेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वो ये है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई रेगुलर एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, बिल्कुल अच्छे से, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द 5 एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर्स, करेक्ट पोस्चर्स के आपको 5 एडवांटेजेस बताने हैं, ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। थर्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वो है वट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉ द फिक्सर ऑफ 21 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसको तो मैं सर्कल कर देता हूँ, काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये, आप मानोगे हर साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट, और आपको फिक्चर बनाना है 21 टीम्स का नॉकआउट बेसिस पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को फिक्चर्स बनाना सिखाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो है ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द लीग टूर्नामेंट। भाई फिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो आपको नॉकआउट बेसिस पे भी आना चाहिए और लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग भी आपको फिक्सचर बनाना आना चाहिए। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो है वाइटामिन्स आर वेरी असेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, एक्सप्लेन अबाउट देम। आप लोगों को वाइटामिन्स के बारे में बताना अच्छे से, वाइटामिन्स के कौन से दो ग्रुप हैं उनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सो आई होप आप लोगों को 15 के 15 क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए हैं और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यार एंड तक का वेट मत करना कि 24th को हमारा एग्जाम है तो हम 20 तारीख या 21 तारीख को पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जितना जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया है यार। बाकी सब्जेक्ट्स को फिर ध्यान दे दो, ये 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, फिर आप लोग और सब्जेक्ट्स को अच्छे से ध्यान दे सकते हो। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत आती तो ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगेन, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इन क्वेश्चन को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।